Welcome you all on my YouTube channel on environmental science. आज हम environmental science का एक और topic लेकर numerical solve करेंगे जो है radioactivity. यह question UGC-NET में तो नहीं पूछा गया था मगर JNU M के entrance exam में 2016 में पूछा गया था. जो ये question है ये UGC-NET में भी पूछा जा सकता है. तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए इस question को कैसे solve करते हैं और इसमें क्या concept use होते हैं. दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे. तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें. देखते हैं क्वेश्चन जो कि JNU MPhil 2016 में पूछा गया था. तो क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ 10% ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल डिकेज इन 5 days, then amount of the original material left after 20 days. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 5 day का डिके दिया है तो हमसे पूछा है कि 20 days में कितना amount of material हमारा remaining रहेगा. तो इसके option है 60, 65, 70, 75. तो देखते हैं इसमें कौन सा option सही है. तो इसमें formula हमारा use होगा, NTA(n₀ e^-λT). तो जो हमारा NT है तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ दैट मटेरियल आफ्टर टाइम T, तो वो हमारा होता है NT. N नॉट हमारा इनिशियल क्वांटिटी और E की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा है हमारा डीके कांस्टेंट, T इज द टाइम एट व्हिच दैट मटेरियल इज डीकेइंग. सो हमें पहला जो हमें स्टेटमेंट दिया है कि 10% ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल डीकेज इन 5 डेज, देन तो जो हमारा डिके हो रहा है 5 डे में तो हम इसमें इक्वेशन यूज करेंगे NT इज इक्वल टू n₀ e^-λT. तो इसमें जो हमारा NT मींस 5 डे में कितना रिमेनिंग होगा, n₀ टोटल जो है माइनस 0.10 की 0.10% हमारा डिके हो गया तो उसे माइनस कर देंगे n₀ से, तो हमारा क्या 0.190 हमारा 5 दिन के बाद हमारा रिमेनिंग रह गया. तो हमारा T आफ्टर 5 डेज में तो इसको हम इक्वेशन रख देंगे, NT में रख देंगे 0.90 n₀ = n₀ e, n₀ से n₀ कैंसिल. तो इसको हम इक्वेशन में ले लेते हैं e^-5λ = 0.90. तो ये हम रिमेंबर रखेंगे, ये इक्वेशन लिख देंगे. ठीक है दोस्तों, इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं मगर हमें लॉग की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी. तो इसको हम देखते हैं कि दूसरी तरीके से कैसे हम सॉल्व करते हैं. फॉर अमाउंट ऑफ ओरिजिनल मटेरियल लेफ्ट आफ्टर 20 डेज, हमें जो पूछा गया 20 डेज के बाद हमें निकालना है, तो हम इक्वेशन में पुट कर देंगे n₀ = n₀ e^-λT. तो n₀ तो हमारा इनिशियल क्वांटिटी सेम रहेगी e^-20λ, तो हम 20 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 5, ब्रेकअप कर देंगे, फ्रैक्शन कर देंगे इसका, तो ये जाएगा -5λ × 4, तो ये 20λ ही होगा. तो हमें e^-5λ हमें पता है जो है 0.90, ठीक है, तो वो हमें क्वेश्चन पता है 0.90, तो इसको हम 0.90 की पावर 4 हो जाएगा. तो n₀ = n₀ 0.90 की पावर 4 0.655, ये तो n₀ = 0.6561 हो जाएगा. इनटू 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज में हमारा आ जाएगा. तो अमाउंट ऑफ लेफ्ट मटेरियल आफ्टर 20 डेज इज 65.61%. दोस्तों ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, इसमें आपको लॉग सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो दोस्तों आप इस मेथड को अगर समझ नहीं आएगा तो एक बार दोबारा से पूरा वीडियो देखें. अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम फिर भी आ रही होगी तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. अगर दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और टॉपिक में भी हमसे किसी न्यूमेरिकल का डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं.